नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 82 को देख लिए थे, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 83 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि शाम जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा वहां जो है क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 50 क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, इसमें कह रहा व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है वह कौन सा दर्पण है। दोस्तों आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल। अब दोस्तों इसका जो है कुछ अन्य उपयोग को भी जो है थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्च लाइट में हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट हुआ, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, डॉक्टरी दर्पण में, साथ ही साथ जो है दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग जो है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम लोग जो है दोस्तों थोड़ा उत्तल दर्पण का भी जो है उपयोग को थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो उपयोग हम लोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है दोस्तों साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों अवतल का जो है उपयोग हम लोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, लेकिन उत्तल का उपयोग हम लोग जो है दोस्तों गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, अधिकतर जो है लड़का इसमें और इसमें जो कन्फ्यूज हो जाता है, तो आप लोग को जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो दोस्तों अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ को अति निम्न ताप तक जो है ठंडा किया जाता है, तो उस टाइम जो है अति चालकता उत्पन्न हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जब हम मतलब यानी कि पदार्थ को जो है दोस्तों अति निम्न ताप तक जो है ठंडा किया जाएगा, तो मतलब जो है उस टाइम जो है अति चालकता उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों किसी पिंड का वेग समरूप कहाँ होता है, जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, जब कब कहा जाता है समरूप। जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, तो उस टाइम जो है दोस्तों हम लोग जो है पिंड का जो है वेग जो है समरूप कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। अगर दोस्तों जैसे मतलब कि लिफ्ट का जो है रस्सी अचानक जो है टूट जाएगा, तो उस टाइम जो है दोस्तों मशीन का जो है पाठ्यांक वहाँ नीचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम जो है दोस्तों व्यक्ति का भार जो है वह शून्य के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा भार। इसको आप लोग जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्त रूप से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो वह जो है दोस्तों आयाम के वर्ग के जो है समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसमें कह रहा है दोस्तों प्रकाश की चाल भी आवृत्ति एन से निम्नलिखित में से किस से मतलब इनकी संबंधित है। आप लोग को जो है वी और एन के बीच जो है संबंध को बताना है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, आवृत्ति एन बराबर होता है 1/T होता है, क्या होता है 1/T। साथ ही साथ हम लोग जो है दोस्तों जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इसमें जो है दूरी होता है लैम्डा बटे चाल, तो सॉरी समय, तो समय हो जाएगा टी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जो है इसके स्थान पे जो है 1/T के स्थान पे हम लोग जो है एन भी रख सकते हैं, यानी कि दोस्तों यह हो गया भी बराबर हो गया
एन लेमडा हो गया। अर्थात दोस्तों वेग और लेमडा और तरंग आवृत्ति में जो है यह संबंध है, क्या होता है संबंध, चाल बड़ा होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, अभी हमने आप लोग को बताया। तो दोस्तों आवृत्ति जो है एन बराबर होती है 1/T होती है। इसमें कह रहा है दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल जब हम लोग जो है इसको सेट करेंगे तो यह जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि आवृत्ति और आवर्तकाल का जो है गुणनफल वह 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 8 को देखिएगा आप सभी लोग, इसमें कह रहा है एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है किसके कारण। तो दोस्तों अंदर की ओर जो है बल यहाँ पे लग रहा है, तो इस टाइम जो है दोस्तों अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। कौन सा बल, अपकेंद्रीय जो है बल इसमें जो है काम कर रहा है। क्या कहीं पे अपकेंद्री के बारे में मतलब कहा गया है, तो कहीं नहीं कहा गया है, यहाँ पे जो है अभिकेंद्रीय के बारे में कहा गया। तो यह जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर इसमें आप लोगों को कहता कि अभिकेंद्रीय बल तो उस टाइम जो यह सही हो जाता। अब आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कोरियोलोसिस त्वरण के कारण, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा कोरियोलोसिस त्वरण के कारण, इनकी त्वरण। अगर यहाँ पे कहता बल तो उस टाइम जो आंसर होता अपकेंद्री बल होता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरियोलेसिस त्वरण। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों बलबाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा। हमने आप लोग को जो है पिछले वीडियो में बताया था कि बल आघूर्ण का जो है फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण का जो है फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है F×D। क्या होता है F×D होता है। इसमें कह रहा है दोस्तों बल बाहु को जो है दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इसको जो है दोगुना कर दिया है, तो अब जो है दोस्तों इसका जो है बल आघूर्ण भी वह जो है दोगुना हो गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ कैसा और मतलब छोटा बनेगा कि मोटा बनेगा वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं यह जो है कोई अवतल दर्पण दिया हुआ है, यह हो गया इसका मुख्य अक्ष है, यह इसका फोकस है, यह जो इसका वक्रता केंद्र है। इसमें कह रहा है दोस्तों वस्तु को जो है यह हो गया इनकी पोल हो गया मतलब इनकी ध्रुव हो गया। इसमें कह रहा है दोस्तों यानी कि वस्तु को जो है ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कि एफ और पी के बीच में जो है वस्तु को रख दिया है। तो आप लोग जो है जानते होंगे दोस्तों कि वो वस्तु से जो है एक किरण को निकालते हैं वह जो है फोकस से जो है सीधा चली जाती है, और एक किरण को हम लोग जो है दोस्तों वक्रता केंद्र से जो है गुजारते हैं। तो यह जो है दोस्तों आगे जाके जो है कहीं पे कट जाएगी, यानी कि दोस्तों इसका जो है प्रतिबिंब आभासी बना, दर्पण के पीछे बना और वस्तु से बड़ा बना, यानी कि दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने नहीं बनेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसमें कह रहा है आभासी बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, सीधा बन रहा है यह भी सही बात है, वस्तु से बड़ा बन रहा है तो यह भी जो है सही बात है, और दर्पण के पीछा बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों 20 ग्राम C6H12O6 में कुल मोलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मोलों की संख्या निकालने के लिए आप लोग जो है क्लास 10th में मतलब पढ़े होंगे, तो पहले हम लोग जो है दोस्तों इसका जो है द्रव्यमान को पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, द्रव्यमान C6H12O6।
तो हम लोग जानते हैं कि मतलब कार्बन का जो है द्रव्यमान होता है वह 12 होता है। क्या होता है? 12 जो है इसका द्रव्यमान होता है कार्बन का। और इसमें जो है दोस्तों 6 कार्बन है, जो हाइड्रोजन का जो है एक होता है, और इसमें जो है 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का जो है दोस्तों 16 होता है द्रव्यमान संख्या। तो 16 × 8 हो गया। जब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद जो है दोस्तों आ जाएगा आप सभी लोग को कितना आएगा, ऐड करने के बाद जो है दोस्तों यह आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा? 180। तो दोस्तों 180 बराबर हो गया 1 मोल हो गया। क्या हो गया? 1 मोल जो है वह 180 बराबर हुआ। इसलिए इसमें कह रहा दोस्तों 20 ग्राम मोल, इसलिए एक ग्राम में जो है दोस्तों 1/180 मोल हुआ। इसीलिए 20 ग्राम में जो है दोस्तों 20/180 हो जाएगा। काटिए इसको तो यह जो है 1/9 हो गया। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है वह 0.11 जो है इसका मोल की संख्या हो गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को जो है यह भी जानकारी होना चाहिए कि 1 मोल बराबर जो है दोस्तों 6.022 × 10³ अणु या फिर परमाणु या फिर आयन होते हैं। यह भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर जो है क्रिया करती है? तो दोस्तों सोडियम को हम लोग जो है खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उसको जो है खुले में छोड़ देंगे तो दोस्तों वह जो है वायु के नमी के साथ जो है अभिक्रिया कर लेगी। इसका अर्थ है कि दोस्तों इसलिए हम लोग जो है इनकी दोस्तों सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 को बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सल्फर के ऑक्सीजन के लिए वायु में पायराटीज को गर्म करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता दोस्तों भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भंजन होगा, यहाँ पे भंजन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर हम लोग जो है आ रहे हैं। इसमें कह रहा दोस्तों एजोला निम्न में से किस फसल के मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो वह जो है दोस्तों धान के जो है मृदा को बढ़ाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान। क्वेश्चन नंबर जो है मतलब कि आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों अस्थाई उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह जो है दोस्तों कहलाती है जटिल उत्तक जो है वह कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जटिल उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है माल्टोज लैक्टोज एवं सुक्रोज के मतलब क्या कहते हैं, मतलब इनकी माल्टोज प्लस लैक्टोज प्लस सुक्रोज के जो है संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज के जो है संयुक्त रूप को हम लोग कहते हैं दोस्तों पॉलीसेक्राइड। क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड्स, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएनए के जो है स्ट्रैंड्स वह जो है हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे में कह रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों टेस्ट ट्यूब में रक्त स्कंदन निम्न को मिलाने से रोका जा सकता है? इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमोनियम क्लोराइड। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी के जो है एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है मतलब पूछा गया था। तो दोस्तों बिहार फायरमैन के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है दोस्तों, सिनेप्सिस संग्रहित करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनेप्सिस जो है यह उत्तेजक रसायन है। क्या है यह जो है दोस्तों? उत्तेजक रसायन है। तो यह जो है दोस्तों अवरोधक भी रसायन है और चालक भी रसायन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे में कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों यांकी स्टेडियम जो है यह जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वॉलीबॉल जो है खेलने वाला जो है खेल का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है यांकी स्टेडियम, और यह जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 में करा दोस्तों, इसमें करा है एपेक का जो है फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है फुल फॉर्म होता है वह होता है दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप लोग को जो है एक बात और ध्यान में रखना होगा, इसका जो है स्थापना हुआ था दोस्तों 1989 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। और इसमें जो है दोस्तों कुल जो है 21 देश जो है इसमें शामिल है, कुल 21 देश इसमें जो है शामिल है। इसमें जो है दोस्तों भारत जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसको भी आप लोग जो मतलब ध्यान में रखिएगा कि यानी कि भारत जो है वह एपेक में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसमें करा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों बीपी सिंह को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, चरण सिंह को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, मनमोहन सिंह को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, लेकिन मोरारजी देसाई को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? धान एवं जूट, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि धान एवं जूट जो है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है। क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की जो है यह फसल है धान और जूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? एक राग है। तो दोस्तों सिंधु भैरवी जो है दोस्तों यह जो है कर्नाटक संगीत का जो है एक राग है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कर रहा है दोस्तों, पंडित जसराज गायक थे, तो यह जो है दोस्तों एक जो है शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको जो है दोस्तों कहा जाता है संगीत का मर्तांड भी जो है कहा जाता है, इसको जो है संगीत का मर्तांड। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है किस देश में? वह जो है दोस्तों थाईलैंड में भी जो विश्व विख्यात है, म्यांमार में भी और लाओस में भी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का जो यह फर्ज बनता है कि आप लोग जो है इस मतलब इनकी वीडियो को जो है लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों, DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है दोस्तों स्थापना हुआ था 1958 में। कब हुआ था स्थापना? 1958 में दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग को जो यह भी ध्यान में रखना होगा कि डीआरडीओ का जो है अभी जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि डीआरडीओ का जो है वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1958, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, वह जो है खारवेल को जो है मतलब प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों खारवेल जो थे दोस्तों, यह जो है चेदी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था। हमने क्या बोला अभी? यह जो है खारवेल, यह जो है दोस्तों चेदी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो है बख्तियार की उपाधि जो है वह प्रदान किए थे ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती ने। कौन किए थे प्रदान? ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे आप लोग के सामने आ चुका है। इसमें कह रहा है दोस्तों, अरविंद घोष ने लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि बाबरनामा जो है कौन लिखा है। तो दोस्तों बाबरनामा जो है वह खुद बाबर ने लिखे हैं। अकबरनामा जो है दोस्तों, यह जो है अबुल फजल ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अबुल जो फजल जो है वह खुद लिखे हैं। अकबरनामा, विरहद संहिता, विरहद संहिता जो है दोस्तों, यह जो है बड़ा मिहिर ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बड़ा मिहिर ने लिखे हैं। और दोस्तों द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन जो है दोस्तों, यह जो है लिखे हैं अरविंद घोष लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अरविंद घोष। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने आ चुका है। इसमें कह रहा दोस्तों, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों पटना साहिब में स्थित है। कहाँ पे है? पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना साहिब। इसमें कह रहा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अमृत बाजार पत्रिका का जो मतलब कि प्रकाशन जो है दोस्तों, वह किए थे मोतीलाल घोष ने किए थे। कौन किए थे भाई? मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर आगे को देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व वह जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि बारदोली जो है सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किए थे उसका नाम था वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। और बाकी जो दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेरा आंदोलन, इसका मतलब जो है नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। तो इसको भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आप लोगों जो है ऐसा भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों खेरा जो सत्याग्रह वह जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, यह जो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, यह जो है दोस्तों 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग को हमें जो है कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह।
ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो है कमेंट का हम जो है इंतजार करेंगे, ठीक है, आप लोग को जो है मतलब कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन मतलब कि रिपीट हो गया दोस्तों, तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि मतलब कि भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आरंभ हुआ और कहाँ आरंभ हुआ। इस दोनों बातों को आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। चलिए दोस्तों, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18%। कितना? तो 18% जो है जनसंख्या वह जो है भारत में रहती है। समझिए दोस्तों कितना कम है, मात्र 18% है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 36 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा दोस्तों, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने आप लोग को जो है पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ग्लोब पर जो है भारत वह जो है दोस्तों 8° 4' से लेकर 37° 6' उत्तरी अक्षांश है। कभी कभी आप लोगों से यह भी मतलब कि पूछा जा सकता है कि इसका जो है देशांतरीय विस्तार क्या है हमारे भारत का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है वह है 68° 60' से लेकर 97° 25' ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो है इसको भी मतलब कि याद कर लेना होगा। इस क्वेश्चन को हमने जो मतलब पिछले वीडियो में बताया भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मतलब कि मानसून का जो है समय है वह है जून सितंबर है। क्या है? जून सितंबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य जून और सितंबर। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुद्दुचेरी। क्या हो जाएगा? पुद्दुचेरी। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग कह रहा है दोस्तों, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है। इसका जो है आंसर हो जाएगा वह जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों धूम कोहरा में मौजूद आंख में जो है जलन पैदा करने वाला जो है एक मतलब कि द्रव का नाम है, उसका नाम है दोस्तों पेरियोक्सिटिलाइन नाइट्रेट। क्या नाम है? पेरियोक्सी एसिटिलाइन नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है मतलब 40 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों, बारूद पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है। बगड़ू पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। हरित क्रांति, तो दोस्तों हरित क्रांति जो है अभिप्राय है दोस्तों उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग को हमें यह बताना है कि हरित क्रांति का जो है जन्मदाता किसे कहते हैं भारत में। तो दोस्तों भारत में जो है M.S. स्वामीनाथन को जो है हम लोग हरित क्रांति का जो है जन्मदाता कहते हैं, लेकिन विश्व में जो है दोस्तों हरित क्रांति का जो है जन्मदाता वह कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। क्या कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग जो है दोस्तों विश्व में कहते हैं हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो आप लोग को जो है यह भी याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसमें कह रहा दोस्तों, वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2014 का यहाँ पे आप लोग को मतलब बात बोल रहा है, 2014 का इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए ओडिया, ऑप्शन नंबर ए ओडिया, यह जो है दोस्तों ओडिशा का मतलब है कि भाषा है, ओडिशा का मतलब जो है यह भाषा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसमें कह रहा दोस्तों भारत में कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस धर्मावलंबी को है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिखों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा दोस्तों भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो दोस्तों हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि 61वें संविधान संशोधन अर्थात 61वें जो है संविधान संशोधन जो है यह 1989 में हुआ था, इसमें जो है दोस्तों मतदान करने की उम्र जो है दोस्तों 21 वर्ष से जो मतलब घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी थी, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 18 वर्ष कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है, गैस करना है दोस्तों इसका आंसर जो है क्या हो सकता है, तो उसका नाम है दोस्तों सरोजनी नायडू, क्या नाम है सरोजनी नायडू, यह जो है दोस्तों भारत में जो है पहला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, और यह जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो है पहली राज्यपाल महिला बनने वाली थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मुद्रा का जो है मुख्य कार्य है वह है विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरे भाई इसका जो आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो है डी जो मार रहे हैं वह जो है गलत हो जाएगा, इसका आंसर केवल व केवल जो है ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसका जो है शॉर्ट नाम है नाबार्ड, क्या नाम है नाबार्ड NABARD, इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या होता है फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग को जो है मतलब ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जो है दोस्तों स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, कब हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आप लोगों से मतलब जो है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों नाबार्ड का जो है मुख्यालय वह लखनऊ में है, कहाँ पे है लखनऊ में, तो आप लोगों को जो है यह भी ध्यान में रखना होगा। चलिए तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें कह रहा है दोस्तों भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा जो है एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसका जो है आंसर क्या होगा आंसर आप लोग जो है बताइए, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NSSO, क्या होगा NSSO। अब जो है दोस्तों हम लोग जो है इसका मतलब कि फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका जो मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को जो है इसमें एक बात और ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी आप लोगों से जो है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि NSSO की जो है स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इसकी जो है स्थापना 1950 ईस्वी में जो है किया गया था NSSO की स्थापना, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी मतलब इनकी गेस कर रहे हैं वह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग जो है आ गए हैं, इसमें कह रहा है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डैश में की गई थी, कब की गई थी वह आप लोग को बताना है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना,
तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की जो है स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है किया गया था। और दोस्तों इसका जो है स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा, मतलब इनकी किया गया था, सॉरी मतलब ये भीमराव अंबेडकर की मतलब ये जयंती पर जो है दोस्तों इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोगों को जो है एक बात और ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी की जो है स्थापना कब हुआ था। बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, कांग्रेस इसकी जो है स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग मतलब इनकी पहले जानते हैं कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कांग्रेस की जो है स्थापना 1885 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1885 को। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो है स्थापना दोस्तों 1980 ईस्वी को किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को जो है यह मतलब कि बिल्कुल जो है मुंह पे रहना चाहिए इसका ईस्वी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम की ओर हम लोग जो है आ गए हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को मतलब बताया था अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 352 में जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की बातें की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की बातें जो है वह अनुच्छेद 352 में की गई है। अनुच्छेद 356 में जो है दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जो है बात कही गई है। और अनुच्छेद जो है 360 में जो है दोस्तों इसमें जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो हमने यहाँ जो है मतलब क्वेश्चन आप लोग को जो है लगातार पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। आप मतलब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो है कब किया गया था, तो वह जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है, अभी और है मतलब क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दोस्तों लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा किसे दी जाती है। तो दोस्तों राजनीतिक दल को जो है दोस्तों लोकतंत्र का जो है प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का जो है प्राण वह राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है हाल ही में किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित हुआ है किया गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हरियाणा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दोस्तों देश का चौथा रिंगिंग स्टेशन बिहार में कहाँ बनाया गया है। तो वह जो है दोस्तों भागलपुर में बनाया गया है। कहाँ पे? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, भागलपुर। आज की क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कह रहा है बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल दिसंबर 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था। बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल 2020, तो वह जो है दोस्तों भागलपुर में ही उद्घाटन मतलब आयोजित मतलब किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों और आप लोग को जो है 7:00 आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि 7:00 आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को जो है वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर जो है करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।